अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फ्रीलांसिंग क्या डिस्कस किया था, फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, फ्रीलांसिंग से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग में कौन कौन से स्किल्स आ जाते हैं। आज उनमें से एक स्किल्स की हम बात करेंगे जिसको हम स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स सिखाया जा रहा है। लोग सीखकर घर बैठे 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख, इवन के महीने का 15-15, 20-20 लाख भी कमा रहे हैं। अब इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसमें आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो भी प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कांडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास हैं। चलें जी, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग आजकल पाकिस्तान के अंदर अमेज़न के बाद ज़्यादातर इसी पे काम किया जाता है। अब स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, इस स्किल्स को कैसे सीख सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आपने कंप्लीट सुनना है क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा सबसे पहले स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। जैसे कि पोस्ट का मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज़ को आपने शेयर करना होता है, शाया करना होता है, किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ, एक वेबसाइट ए है, एक वेबसाइट बी है, आप उसमें से दरमियान में एक कमीशन के तौर पर, कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते हैं। आप जो वेबसाइट ए है वो बड़ी वेबसाइट है, वो गूगल के ऊपर रैंक है, उसकी जो रैंकिंग बहुत अच्छी है, लोग उसको डेली आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं। अब जो लोग उसको देखते हैं वो क्लिक होता है, वो उसकी रेटिंग के अंदर इजाफा होता है और उसके अंदर जो भी लोग अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं उस वेबसाइट से उसको अर्निंग होती है। अब पब्लिसिटी कौन करवाते हैं? मैंने आपको बोला कि एक वेबसाइट ए है जो कि बड़ी वेबसाइट है और एक वेबसाइट बी है। अब वेबसाइट बी ने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, अपनी वेबसाइट की मशहूरी करनी है, मार्केट में अपना एक नाम बनाना है। अब मार्केट में जब वो अपना नाम बनाएगी तो उसको नाम बनाने के लिए अपनी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब वो बड़ी वेबसाइट से रब्ता करती है, अब बड़ी वेबसाइट से डायरेक्ट वो रब्ता नहीं कर सकती, उसके लिए आपको दरमियान में एक एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि वो सर्विसेज देता है, वेबसाइट ए और वेबसाइट बी का आपस में रब्ता करवाता है, उनकी डीलिंग करवाता है और उसके वो पैसे चार्ज करता है। मिसाल के तौर पर मैं हूँ थर्ड पार्टी, मैं क्या करता हूँ, जो वेबसाइट ए है उसको मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपकी, आपको जो गेस्ट पोस्टिंग है वो मैंने आपकी वेबसाइट के ऊपर करवानी है, एक वेबसाइट दूसरी है उसने करवानी है। अब वो कहता है ठीक है जी, मैं जो आर्टिकल है वो मैं पोस्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उसको मैं पैसे चार्ज करूँगा, जो वेबसाइट ए कहती है। अब जो वेबसाइट, वो फॉर एग्जांपल वेबसाइट ए कहती है कि मैं फॉर एग्जांपल $10 लूँगा जो आर्टिकल पोस्ट करने के। अब जो वेबसाइट जो बी है वो उस वेबसाइट को, मैं कहता हूँ वेबसाइट बी को कि मैं आपका आर्टिकल बड़ी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करवा देता हूँ, उसकी आपसे मैं $50 लूँगा। वो कहते हैं चलिए $50 ज़्यादा, आप मैं आपको $40 दे देता हूँ। तो $40 जब वो वेबसाइट देगी, उसका आर्टिकल बड़ी वेबसाइट के ऊपर लग जाएगा, लोग उसको पढ़ेंगे, उसका लिंक उस आर्टिकल के अंदर होगा तो लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे, छोटी वेबसाइट रैंक होगी। इसी तरह वो 2 से 3 महीने लगातार अगर इसी तरह अपने आर्टिकल पोस्ट करवाती है, उसके अंदर काम करती है, सब 2 से 3 महीने में जो छोटी वेबसाइट है वो रैंक कर जाएगी, उसका बिजनेस भी ऊपर आ जाएगा, तो उसको फिर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। वो भी इसी तरह फिर छोटी वेबसाइट से रब्ता करके अपने आर्टिकल्स के थ्रू डॉलर्स के थ्रू अर्निंग करेंगे। अब मैं जो थर्ड पर्सन हूँ तो देखें कि मैंने उनको उस वेबसाइट ए को $10 दिए जबकि इधर से $40 लिए, तो मुझे कितना बचा? $30। अब जो आर्टिकल है, आर्टिकल भी वेबसाइट बी ने मुझे प्रोवाइड करना है जो कि मैंने वेबसाइट ए को देना है, उसने अपनी वेबसाइट के अंदर उसको पोस्ट करना है। अब ये सारा प्रोसीजर होता है, इसको कहते हैं स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग। अब स्मार्ट क्यों कहते हैं? इसके अंदर टूल्स होते हैं, टूल्स के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, जिसमें REHF टूल्स है जिससे हम वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी वेबसाइट है, जिनकी रेटिंग कितनी है, जिसका DARA डोमेन कितनी है, ये सारी चीज़ें
हम लोग इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स आपको परचेज करने पड़ेंगे, तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये के टूल्स हैं, क्योंकि अगर आप फ्री में काम करेंगे, फ्री में वेबसाइट्स को ढूंढेंगे, फ्री में लोगों से रब्ता करने की कोशिश करेंगे वेबसाइट ए और बी से, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से स्मार्ट, इसको इस वजह से नाम दिया गया है कि स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो आपको जल्दी आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो इस सारे प्रोसीजर को स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। इसका प्रॉपर एक कोर्स है जो कि आपको सीखना पड़ेगा इंशाल्लाह। जितना मुझे पता है मैं भी इस कोर्स को वीडियोस के थ्रू आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। जैसे आज फर्स्ट वीडियो थी स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग की, क्या हमें पता लग गया कि स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग होती क्या चीज है। तो अब स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग का पूरा एक स्किल है। अब आपने वेबसाइट्स को आपने देखें, अब बड़ी वेबसाइट्स को आपने ढूंढना है, कम से कम आप 1000-1500 वेबसाइट्स आप ढूंढ के उनके कॉन्टैक्ट, उनके जीमेल एड्रेस, आप उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम ढूंढेंगे। क्लाइंट वेबसाइट को कैसे हंट करना है, क्लाइंट्स को कैसे हंट करना है, फर्दर वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना था कि स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग होती क्या चीज़ है। तो अब आपने वो वेबसाइट्स को इकट्ठा करना है, कैसे इकट्ठा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस वीडियोस को इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है कि व्हाट इज स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग, और वेबसाइट ए वेबसाइट बी का क्या काम होता है, कमीशन एजेंट का क्या काम होता है जो कि हम अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो इस सारे प्रोसीजर को स्मार्ट गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फ्रीलांसिंग का एक स्किल है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं लोग, वो आपको समझ आ गया होगा। और आप भी अगर ये स्किल सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी आपको फ्री कोर्स मिल जाएंगे यूट्यूब के अंदर, और मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मेरी फर्स्ट वीडियो को आप समझें इसको, और दूसरी वीडियोस को भी देखें, और इससे आपको ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो आपको समझ आ गई, वीडियो अगर आपको समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। इसी के साथ बैठ को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।